आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको रुक कराएंगे देश की सारी छोटी बड़ी खबरें। उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। बदलाव बाराहट के 15 पंचायतों में 12 पुराने मुखिया हुए चित, वहीं जीप सदस्य ने चौथी बार मारी बाजी। जिले के बाराहट प्रखंड से एक बड़ी चुनौती भरी पंचायत चुनाव परिणाम का मामला सामने आया है। कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा किया उसे वैसा ही परिणाम मिला। जनता को मूर्ख बनाने वाले मुखिया, जिला पार्षद, पंचायत समिति के प्रतिनिधियों को इस बार हो रहे मतदाता पंचायत चुनाव में मौन रहकर सही और अंतिम फैसला कर दिखाया है, जो आज भी जारी है। ताजा मामला बांका जिले के छठे चरण में बाराहाट प्रखंड होते हुए पंचायत चुनाव का परिणाम 15 पंचायतों में पूर्व प्रत्याशियों को कई संघर्ष के बीच गुजरना पड़ा, जिसमें खासकर 12 मुखिया प्रतिनिधि को हार का मुंह देखना पड़ा। और इस चुनाव में 7 महिला उम्मीदवार ने अपने अपने पंचायत से परचम लहराते हुए पंचायत का कमान थाम लिया। प्रत्याशियों की धड़कन तब तेज होने लगी जब बांका के पीबीएस कॉलेज मतगणना केंद्र पर शनिवार 13 नवंबर को हुए देर रात तक 15 पंचायतों के चुनाव परिणाम की घोषणा होने लगी, जहां एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस बार बदलाव की झोंका में महज 3 निवर्तमान मुखिया ही अपनी कुर्सी बचा पाए हैं। इसमें भूरना पंचायत की मुखिया रंजनी सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी बीवी अफसाना से महज 437 वोटों से जीत हासिल की और पवनगामा पंचायत के मुखिया दिगंबर मंडल अपने प्रतिद्वंदी संजीव कुमार से 233 मतों से पराजित किया। वहीं पंचवारा पंचायत के मुखिया भोला पासवान ने अपने प्रतिद्वंदी अरुण रजक से 987 मतों से पराजित करने कामयाबी हासिल की। वहीं दक्षिणी क्षेत्र से पूर्व जिला परिषद सदस्य नीलम सिंह ने दोबारा कब्जा जमाती हुई अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुमन सौरभ को 882 मतों से पराजित कर इस बार बाजी मारी है। इस परिणाम को देखते हुए 7वां चरण में होने वाली पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों में काफी चिंतित हैं, जिसे लेकर सभी प्रत्याशी मतदाताओं ने एक से एक प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता उमाकांत शाह की रिपोर्ट। चुनाव जीते और अभी भी जीते, बहुत अच्छा लगा, जनता से बहुत प्यार मिला है हमको और आगे भी मिलेगा, और उसके लिए जो भी समस्या है हम एनी टाइम तत्पर रहेंगे उसका दूर करने के लिए। जो भी योजना सरकार के द्वारा जमीन को धरातल को उतारा जा रहा है, उस पर हम अपने पहल से सरकार से उसके लिए हक लाएंगे और सारे महिला को दिलाएंगे। लड़कियों के लिए एजुकेशन के लिए भी जो भी कमी है उसको हम पूरा सरकार से जाके लिखेंगे उसको। सिंपल जी, अपने करती हैं, वो अपने मेहनत भी करती हैं और अपने जनता के बीच उनका विकास का कार्य भी करती है। हम लोग का जरूरत ही नहीं पड़ता है उस क्षेत्र में जाने का। और आपको बहुत सुनकर आश्चर्य भी होगा कि ये 4 बार जो जीता, पहली बार हम लोगों ने थोड़ा मेहनत भी की थी, 3 बार के चुनाव में कोई मेहनत हम लोग का नहीं रहा, स्वयं अपने पब्लिक के बीच जाती है। अब 5 साल जो कार्य करती है उनको पब्लिक मुस्कुराते हुए हंसते हुए स्वीकार करके और पुनः निर्वाचित करते हैं। मेहनत पर कोई मुकाबला नहीं रहा, सकल प्रत्याशी का कहीं अता पता भी नहीं रहा इनका कार्य, और इतना ही मेहनत करती है, क्षेत्र में जनता के बीच रहती है कि लोग अपार स्नेह इनके साथ जुड़ा हुआ है और सभी ने एक तरफा मत दे के इनको 9000 वोटों से विजयी बनाया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तब तक आप कहीं न जाएं, बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।